उत्तर प्रदेश में भाजपा के लगातार आठ बार के इकलौते विधायक सतीश महाना को अब उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है सतीश महाना के बारे में जहां एक तरफ कहा जाता है कि वो जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर नेतागिरी करते हैं तो दूसरी तरफ उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप भी जमकर लगता है लेकिन इन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में माना यह जाता है कि सतीश महाना काम करने वाले नेता हैं। काम करवा कर देने वाले नेता हैं जहां रहते हैं वहां की जनता को खुश करने वाले नेता हैं। जाहिर है जो व्यक्ति एक ही इलाके से आठ बार विधायक चुन करके आया हो जनता उसे कितना पसंद करती है कितना चाहती है इस बात पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है कोई शक और शुभा की गुंजाइश नहीं रह जा सकती है इकतीस साल की उम्र में पहली बार विधायक बने सतीश महाना आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की सबसे बड़ी शख्सियत बन चुके हैं कानपुर में सतीश महाना के बारे में कहा यह भी जाता है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन को तो उर्वर बना लिया है लेकिन उन्होंने यहां से संगठन में और किसी को बड़ा नहीं किया है संगठन की अगली पीढ़ी को नहीं तैयार किया है तो इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे नमस्कार मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन तो सतीश महाना के बारे में जो सबसे अच्छी बात कही जाती है वो ये कि इन्होंने अपने जातिगत सरनेम को हटा करके महाना सरनेम इसीलिए लगाया ताकि जाति से ऊपर उठ करके राजनीति की जा सके हालांकि योगी आदित्यनाथ इसकी अलग व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि इनके नाम में ही महाना है और इनको महान होने से कौन रोक सकता है और सतीश महाना वैसे भी फिलहाल महान ही हो चुके हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ तीन ही ऐसे विधायक हुए हैं जो लगातार आठ बार जनता के द्वारा चुन करके विधानसभा में भेजे गए हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार आठ बार सदस्य के रूप में बैठने वाले वर्तमान में भाजपा के इकलौते विधायक हैं सतीश महाना सतीश महाना उन तीन सबसे विलक्षण नेताओं में गिने जाते हैं जिनको जनता ने लगातार आठ बार चुनाव जितवाया है सतीश महाना जब पहली बार इकतीस साल की उम्र में कानपुर कैंट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाते हैं तब भी चर्चाएं जोर जो शोर से होती है कि इनके पिता राम अवतार महाना ने अपना समीकरण फिट कर दिया जिसके बाद कानपुर कैंट से भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता बड़े नेता लेकिन लगातार तीन बार चुनाव हार चुके हरि दीक्षित का टिकट कट गया साल उन्नीस में जब चुनाव हुआ तब पहली बार कानपुर कैंट से 31 साल के बिल्कुल युवा और तेज तर्र पूर्व बजरंग दल के कार्यकर्ता और अब भाजपा के नेता बन चुके सतीश महाना पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए जनता ने पहली बार मुहर लगाई उसके बाद सतीश महाना ने जनता को अगली बार किसी और तरफ देखने का मौका ही कभी नहीं दिया पांच बार कानपुर कैंट से विधायक चुने गए जब जब भाजपा सरकार रही तब तब मंत्री रहे उसके बाद साल 2012 में जब परिसीमन हुआ नई सीट बनी महाराजपुर और नई बनी सीट पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से पांच बार के कानपुर कैंट से भाजपा के विधायक सतीश महाना के कंधों पर आई और उन्होंने संगठन को निराश भी नहीं किया और एक बार फिर से बड़े अंतर से महाराजपुर से विधायक चुने गए साल 2012 वो साल था जब मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की जोड़ी पूरे प्रदेश में परचम लहरा रही थी और भारतीय जनता पार्टी कहीं नैपथ्य में गुम नजर आ रही थी लेकिन फिर भी सतीश महाना ने इस सीट को जीत करके बता दिया कि प्रदेश में भले ही सपा का बोलबाला हो लेकिन इस सीट पर भाजपा का बोलबाला होगा और उससे भी कहीं ज्यादा सतीश महाना का बोलबाला होगा आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं जान लेते हैं सतीश महाना की शुरुआती जिंदगी कैसी रही तो पिता राम अवतार महाना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए थे बड़े नेता थे वहां के वो भी बचपन से ही उसी के चलते स्वयं सेवक बन गए बाद में में बजरंग दल से जुड़े फिर राम मंदिर आंदोलन में दो बार जेल भी गए छात्र राजनीति में सक्रिय रहे बीएससी की और उसके बाद फुल टाइम राजनेता बने सोलन विधानसभा में भाजपा के उपाध्यक्ष भी बने कालांतर में इसके अलावा कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल युवा विंग के पूर्व समन्वयक भी रहे हर भाजपा सरकार में मंत्री रहे अब आते हैं इनके वर्तमान परिस्थिति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पिछला कार्यकाल रहा उसमें भी वो औद्योगिक विकास मंत्री रहे इसके अलावा अलग अलग, अलग सरकारों में वो खादी ग्रामीण उद्योग टेक्सटाइल एमएसएमई निर्यात प्रोत्साहन मंत्री आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री जैसे पदभार को संभाल चुके हैं आठ बार विधायक तो बने हैं लेकिन एक बार चुनाव भी हारे हैं अब सवाल उठ रहा होगा कि जब लगातार आठ बार विधायक बन गए तो चुनाव कैसे वो जीत गया हार गए तो फिर विधानसभा का चुनाव नहीं था वो चुनाव लोकसभा का था लोकसभा लड़ गए थे साल 2009 में और कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा ये इकलौती हार थी सतीश महाना की इसके अलावा उनके बेटे करण महाना को जब भाजा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया तो बड़े सवाल उठे क्योंकि वो जिला कार्यकारिणी में कभी काम नहीं किए थे ना कभी राज्य की कार्यकारिणी में सीधा उनको जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया तो उसके बाद सवाल उठा और आरोप ये लगा कि प्रमोद महाजन के साथ इनकी काफी करीबियां हुआ करती थी उसके चलते उसका फायदा इन्होंने उठाया और अपने बेटे को भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फिट कर दिया इसके अलावा उनकी बढ़ी हुई संपत्ति के ऊपर भी जमकर सवाल उठता है कहा जाता है बीते पांच सालों में उनकी संपत्ति तकरीबन दस गुना के आसपास तक बढ़ी है इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं जिनके बारे में पक्ष ने तो तारीफ की ही विपक्ष ने भी के तारीफ करी और सम्मान में कोई प्रत्याशी उनके खिलाफ उतारा नहीं और अखिलेश यादव ने भी बधाई देते हुए कहा कि इतने बड़े सदस्य और इतने गरिमामयी सदस्य जो आठ बार से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हों उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारना सही नहीं था इसलिए हमने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा बाकी उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष सतीश महाना बने हैं तो अच्छे ढंग से कामकाज सदन का चलाएं और सदन से कुछ जो फल मिलने वाले काम हो जिनका एक तरीके से जनता को फायदा मिले उस तरीके से इस सदन को चलाया जाए और खास करके जनहितकारी मुद्दों पर चर्चा करने की आजादी सभी लोगों को दें और ढंग से सदन को चलाएं बाकी आप क्या सोचते हैं सतीश महाना को लेकर के नए विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो को साझा भी कर सकते हैं नई सरकार बनी है नए मंत्री बने हैं बहुत नए चेहरे भी आए हैं कुछ पुराने चेहरे अलग अलग रूपों में नजर आ रहे हैं उन पर भी कोशिश करेंगे कि उनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी दे सके और आपको बात कर सके आपके साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साझा करिएगा दोबारा से अपील कर रहे हैं मेरा नाम अनुराग मिश्रा है आप जनता जंक्शन देख रहे थे कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे शुक्रिया